बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेके वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो कौन सा लैपटॉप ले या कौन सा कंप्यूटर ले, या बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर टेंशन ले चुके हैं कि हम कंप्यूटर ले या लैपटॉप ले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन जो आपको पहले से है या डाउट है कि लैपटॉप ले या कंप्यूटर, तो सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आपको करना क्या होगा, बस आपको लास्ट तक ये वीडियो को देखना होगा। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा कंप्यूटर होगा या लैपटॉप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कंप्यूटर या लैपटॉप, इन दोनों में से आपके लिए सबसे अच्छा और बेटर कौन होगा। अगर आप घर पे ही काम करना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं काम करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो है आपको कंप्यूटर होगा। एज ए कंपेयर लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो आप जो है कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में बैठ रहे हैं, अगर चाहते हैं कि हम वहाँ पे कुछ वर्क कर ले बैठे बैठे, तो आपके लिए जो है सबसे अच्छा लैपटॉप होगा। अब आ जाने कन्फ्यूजन में कि भैया आप कंप्यूटर ले या लैपटॉप ले, तो मैं आपको यह कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अगर आप घर पे काम करना चाहते हैं, घर पे बैठ कर काम करते हैं, तो आपके लिए जो है सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो है कंप्यूटर होगा, ना कि लैपटॉप। लैपटॉप आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, अगर आप बाहर कहीं काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या आप कहीं पब्लिक प्लेस में, कहीं पार्क में कहीं घूमते फिरते, या दुकान दौरी वाले जो होते हैं कहीं देखते हैं, गांव घर में देखते होइएगा कि जो है मेडिसिन वाले जो होते हैं वो जो अपना कस्टमर जो है भेजते रहते हैं छोटा सा टैबलेट लेके या कंप्यूटर लैपटॉप लेके, तो वो जो भैया उसमें जो है कुछ डेटा जो है स्टोर करते हैं, है ना, बिल बनाते हैं, तो बोलते भैया ये लेके चल जाओ वहाँ पर बिल बना लेना, तो आपके लिए जो है लैपटॉप हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा जो होता है वो कंप्यूटर होता है। जैसे अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है उसमें कंप्यूटर में वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से आपको जो है एडिटिंग होता है, उसमें आप गेमिंग भी खेल सकते हैं। आप देखते होइएगा साइबर कैफे में जो है, या कहीं भी दुकान दौरी में जाते होइएगा ऑनलाइन दुकान में, तो वहाँ भी देखते हुए दो चार कंप्यूटर रखे रहते हैं और वहाँ पर जो है बच्चे गेमिंग वगैरह करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है बड़े बड़े शॉप मॉल में जाइए, जाते होइएगा वहाँ भी देखते होइएगा कि आपको जो है कंप्यूटर मिल जाता है, कंप्यूटर क्लासेस वहाँ पर भी देखते होइएगा कि गेमिंग करते हैं, या आप जो है बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर है, ऐसे जो लोग हैं जो वीडियो को एडिटिंग करते हैं, तो वो जो है कंप्यूटर पर ही करते हैं। क्यों? कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप होता है वो बड़ा होता है, और वो जो डेस्कटॉप जो होता है उसके जो है डिस्प्ले होता है वो बड़ा होता है, उसमें आप जो है डिस्प्ले में वो आपको क्लियरिटी दिखाई देता है, और उसमें जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं एज ए कंप्यूटर लैपटॉप। अब लैपटॉप में तो भैया जो आपको जो लिमिट साइज का आपका कंप्यूटर आता है, ठीक है, मतलब महंगे महंगे लैपटॉप से आप जो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब तो भैया सबके बस की बात तो नहीं है ना कि भैया हम लाख डेढ़ लाख का जो है सोनी का ले ले या जो है हम एप्पल का ले ले, तो सबके बजट में तो नहीं है। अब कुछ पर्सन है जिसके बजट में है तो वो लेते हैं। अब आप करेंगे क्या, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है बस 25-30 हज़ार में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा एज ए कंप्यूटर लैपटॉप। उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें गेमिंग भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप, मैं आपको बोला कि अगर आप महंगे लैपटॉप लेते हैं तो आप जो है उसमें सब कुछ कर सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम बजट में लेना चाहते हैं तो आप जो है कंप्यूटर ले सकते हैं, और घर पे काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंप्यूटर, अगर आप कहीं बाहर भी काम करते हैं तो आपके लिए लैपटॉप अच्छा है। तो इस सिचुएशन में आपके लिए तो दोनों ही अच्छा है। अगर आप घर पे काम करते हैं तो इसमें आप जो है आप कंप्यूटर ले सकते हैं, अगर आप जो है बाहर काम कर सकते हो तो लैपटॉप ले सकते हैं। बट आप इसमें जो बहुत सारा अंतर आ जाता है कंप्यूटर और लैपटॉप में, आप लैपटॉप से बहुत ही अच्छा कंप्यूटर हो जाता है, इसीलिए कि उसमें जो होता है सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, बहुत सारे जो इसे फंक्शन होता है जिसको तो भैया आप कहीं उठा के तो लेके नहीं जा सकते हैं ना। आप कंप्यूटर है उसको लेके जा सकते हैं, बट आप जो लैपटॉप है उसको उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का तो उसको उठा के लेके तो नहीं जा सकते हैं ना। यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो आपको डिस्प्ले जो है बड़ा बड़ा साइज में आपको मिल जाता है, उसी लैपटॉप का जो है डिस्प्ले आपको एक सीमित एक लिमिट साइज का होता है, इससे बड़ा नहीं होता। आप जो है देखते हुएगा कि कंप्यूटर है आपको डिस्प्ले बहुत बहुत साइज का आपको जो है मार्केट में आपको डिस्प्ले वाला जो है कंप्यूटर मिल जाता है। तो इस पर आप वीडियो एडिटिंग, इसके बाद गेमिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आप जो है लैपटॉप पे ये सब करते हैं तो ये सब जो है आप बस 2 से 4-5 घंटा, क्योंकि आप ज़्यादा जो वर्क कीजिएगा आपको लैपटॉप पे तो वो जो है हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो जो है आपको ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाता है। तो उसमें आप जो है 4 से 5-6 घंटा तक कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर जो आप समझ सकते हैं कि आपका लैपटॉप का क्या होने वाला है। अगर इससे अपेक्षा अगर महंगा आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, जैसे 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख का कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका है कि ये जो है आप 10 घंटा 12 घंटा चला सकते हैं। मगर दोस्तों ये सब के बजट के तो नहीं है ना, सब आदमी जो इतना महंगा तो यूज नहीं कर सकता है ना। लेकिन अगर आप जो है कंप्यूटर तो सभी आदमी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 20-25-30 हज़ार में ये सिंपली मिल जाता है। अगर इसके अपेक्षा अगर आप लैपटॉप लेते हैं 20-25 हज़ार में, तो वो आपको अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप भी नहीं मिलता है। है कुछ लैपटॉप है जो आपको मिलता है, वो पहले वाला लैपटॉप है। अब अभी का जितने भी आ रहे हैं सामान या कोई भी मटेरियल आ रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहे हैं, कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना अच्छा होता है और कितना नहीं अच्छा होता है, वो आप सब भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हुएगा। जी अभी आप कुछ भी लेते जाते हुएगा मार्केट में, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप या मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, तो आप समझ सकते हैं कि पहले की अपेक्षा जो भी अभी मार्केट में जो भी सामान आया हुआ है वो कितना सही है और कितना गलत है, वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होइएगा। इसमें बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिया हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा और बेटर कौन हो सकता है। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको है बढ़िया वाला महंगा वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा, जैसे एप्पल का हो गया, सोनी का हो गया, 1 लाख रुपया से ऊपर का हो गया, तो वो लैपटॉप लेना होगा। उससे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग या गेमिंग या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, और उसको जो है आप जो है 8 घंटा 10 घंटा चला सकते हैं। लेकिन वही अगर आप जो है कम दाम वाला लैपटॉप लेते हैं, अगर आप जो है उसको ज़्यादा देर चलाते हैं, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसके अपेक्षा अगर आप 20-25 हज़ार में जो है कंप्यूटर लेते हैं और उसको 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा चलाते हैं, तो भी उसको कुछ नहीं होता है। उसका CPU होता है, उसका जो है डेस्कटॉप होता है, वो सब जो है आप उस पर डिपेंड करता है, और वो जो ज़्यादा हीट भी नहीं होने देता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। अब तो आप गाइस समझ ही गए होंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन हो सकता है, कंप्यूटर या लैपटॉप। तो इस वीडियो को बनाने का बस मेरा यही मकसद था। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि सर मैं लैपटॉप लूँ या कंप्यूटर लूँ, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से समझाइएगा, तो मेरे लिए सबसे अच्छा कौन होगा। तो मैं सोचा कि मैं तो अभी लैपटॉप चलाता हूँ, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स से कमेंट किए हुए हैं या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लेना चाहते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को देखने के बाद समझ जाए कि वो उसके लिए कौन सा बेटर हो सकता है, वो कितना देर काम करना चाहते हैं, वो कहाँ काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो उसके लिए जो है लैपटॉप अच्छा हो सकता है या कंप्यूटर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। और मेरे वीडियो से मैं आपको बता दूँ कि मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन ज़रूर होगा।